Pastor Druid Bakikin. बहुत शुक्रिया जी। मसीह यीशु में सबकी सलामती हो और सब लोग बैठ जाएं। आज हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे, जो कि हमारा सीज़न अभी चल रहा है इसी से मुतल्लिका आज हम सीखेंगे। रोज़े के मुतल्लिका हमारा उनवान है। आज हम पहले एक हवाला पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके बारे में सीखेंगे। यसाया 58, यसाया 58 बाब और उसकी 6 और 7 आयत पढ़ दें कोई भी। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। खुदावंद का कलाम पाक पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज हम रोज़े के बारे में सीखेंगे। इससे पहले भी मैं रोज़े के बारे में 2 साल पहले मैं कलाम पेश कर चुका हूँ। जब भी ये सीज़न आता है तो उसी हिसाब से हम लोग बात करते हैं, ताकि वो बातें जो पुरानी बातें हैं वो हम में तरोताज़ा हो जाएं, उसके यानी कि वो हमसे भूल ना जाए, हमें दोबारा से तरोताज़ा वो बातें हो जाएं। तो रोज़ा जो है, बेसिकली जब हम रोज़ा लफ्ज़ जो है इसको देखते हैं तो रोज़ा जो है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है जी। तो फ़ारसी ज़बान में ये वाला लफ्ज़ जो हम रोज़ा लिखते हैं ये फ़ारसी ज़बान है। इसका मतलब ही चीज़ों से, खाने पीने से इज्तनाब वगैरह करना है। अच्छा, इब्रानी ज़बान में इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अभी मुझे नहीं पता कि इसमें जो पहला लफ्ज़ है वो साइलेंट है या नहीं है, लेकिन मैंने जो इंग्लिश में पढ़ा था डिक्शनरी में, इब्रानी का जो लफ्ज़ था वो टी सौम, वैसे तो सौम कहते हैं ना रोज़े को, ठीक है, तो ये टी सौम इसको शायद पढ़ा जाएगा इब्रानी ज़बान में। तो इसका मतलब भी खाने पीने की चीज़ों से परहेज़ करना होता है। तो जब हम यूनानी ज़बान में इसी लफ्ज़ का मुतालिया करते हैं तो यूनानी ज़बान में इसके लिए लफ्ज़ नेस्टियो इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मतलब भी खाने पीने की चीज़ों से परहेज़ करना होता है। अरबी ज़बान में हम लोग इसको सौम कहते हैं। हमारे साथ एक, जब हम 3री जमात में पढ़ते थे तो एक लड़की थी जिसका नाम था सौम से साइमा। तो साइमा का मतलब होता है रोज़ेदारनी। साइमा का मतलब होता, सौम से है ना ये सौम रोज़ा, तो साइमा का मतलब होता है रोज़ेदारनी। तो जिसका मतलब साइम होगा वो रोज़ेदार होगा, इसका ये मतलब है, ठीक है जी। तो इसका मतलब जो अरबी में हम लोग सौम लेते हैं, इसका जो मीनिंग्स जब हम पढ़ते हैं अरबी ज़बान के, तो इसका मतलब एक और भी लिया जाता है, जो कि हमारे मुस्लिम दोस्त जो है वो इसका तर्जमा अपनी कुतुब में करते हैं, अपने कुरान की डिक्शनरियों में करते हैं, वो है हवा के रुक जाने को भी सौम वो तर्जमा करते हैं, ठीक है जी। हवा के रुक जाने को भी करते हैं, और घोड़ों के लिए भी वो करते हैं कि जब वो चारा वारा नहीं खाते, यानी कि वो लोग जो इसकी तशरीह करते हैं। तो जब हम मत्ती की अंजील पढ़ते हैं और उसका 6 बाब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें पता है कि रोज़ा जो है वो एक इबादत है, एक मसीही के लिए रोज़ा जो है वो एक इबादत है। तो जब हम मत्ती की अंजील 6 बाब पढ़ते हैं, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, बाइबल को फिलहाल बंद कर दीजिएगा, अपने घर में जाके पढ़िएगा इसको ज़रूर, ठीक है जी। तो जब हम मत्ती की अंजील और उसका 6 बाब पढ़ते हैं, तो मत्ती की अंजील के 6 बाब के मुताबिक हमें इबादात की तरतीब मिलती है। तो तरतीब के लिहाज से जब हम तरतीब को देखते हैं इबादात की,
तो उसमें हिरात सबसे पहले आती है, उसके बाद दुआ आती है और तीसरे नंबर पे रोज़ा आता है। ठीक है जी। तो खिरात जो हम दूसरे मज़ाहिब में देखते हैं, वो जो खिरात देते हैं वो उन लोगों को देते हैं जो कि अपने करीबी होते हैं और जो इसके मुस्तहिक होते हैं, और वो ख़ास तौर पर कहते हैं कि भाई खिरात या ज़कात देनी भी है तो उसको दो जो हमारे अपने हैं पहले, उनको दो। ठीक है। लेकिन मसीहत में ये नज़रिया नहीं है इबादत का, खिरात का। मसीहत में तो हमें बाइबल से मिसालें मिलती हैं कि वो जो था क्या नाम था उसका, सामरी जो था, नेक सामरी, तो नेक सामरी ने जो खिरात की, यानी उसके बारे में उसको ले के गया, फिर उसकी खबरगिरी की, बल्कि अपनी जेब से पैसे भी उधर दिए कि भाई इसका ध्यान रखना। तो ये होती है कि जिसको हम जानते भी नहीं उसके लिए ये सब कुछ किया जाए। तो ये भी इबादत की एक किस्म है। ठीक है जी। तो जब हम देखते हैं दुआ, दुआ जो के इबादत, जो मत्ती की अंजील के छठे बाब के मुताबिक हमारी जो दूसरी जो इबादत होती है वो दुआ होती है। ठीक है। जैसे कि भाई ने भी अभी फरमाया था कि हमें बंद कमरे में, पोशीदगी में, ठीक है, तो इसका एक और मतलब ही लिया जाता है कमरा बंद करने का, अपने दिल का दरवाज़ा बंद करना भी होता है। ठीक है जी। यानी फिजिकली भी आप एक खलवत में चले जाते हैं और खुदा को याद करते हैं, और वो बातें भी खुदा से कर सकते हैं जो कि हम पब्लिक में नहीं कर सकते। तो जब हम अपने दिल का भी दरवाज़ा जो है वो दुनिया से बंद कर लेंगे तो फिर भी हम वो बातें कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो तीसरी जो इबादत है वो है रोज़ा, जिसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। अजीज़ो, जब हम मसीहत का मुतालिया करते हैं तो रोज़ा जो है वो बाइबल में नफली भी बयान किया गया है और फर्जी भी बयान किया गया है। जिस तरह हम दूसरे मज़ाहिब में देखते हैं कि वो नफली इबादत भी करते हैं और फर्जी भी करते हैं, तो बाइबल में भी हमें फर्जी और नफली दोनों मिलती हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि जो यहूदी थे, यहूदी तीन किस्म के यहूदी मसीह यीशु के दौर में थे, फिरकों के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, फिरकों के लिहाज से तीन किस्म के यहूदी मसीह यीशु के दौर में थे। सबसे पहले तो सदूकी थे, सदूकी मसीह यीशु के दौर में थे, इसके बाद फरीसी थे, और तीसरे असीनी थे। इसके बाद भी एक किया जाता है नासरियों कहा गया है माल की किताब में, तो चूँकि मसीह यीशु के मानने वाले जो थे वो मसीही थे तो मसीहियों के लिए भी लफ्ज़ नासरी इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ। ये तो तीन फिरके थे, यानी सदूकी, फरीसी और असीनी, ये मसीह यीशु के दौर में थे और मसीह यीशु से वाइस कर उससे सवालात और जवाब करते थे। ठीक है। उनसे क्या कहते हैं, बहस तकरार करते थे। ठीक है जी। तो जो सदूकी थे, सदूकी ऐसे यहूदी थे जो कि आला मकामों पर, आला ओहदों पर फाइज होते थे, तो उस दौर का जो सरदार कहां था वो भी सदूकी ही था। ठीक है जी। तो इसी तरह जो फरीसी थे, फरीसी अवामी लोग थे, पब्लिक में रहना ज़्यादा पसंद करते जो फरीसी थे, और फरीसियों के अकायद जो थे वो बड़े उत्तम थे, इसीलिए तो फरीसी जो थे वो मसीह यीशु से रोज़े के बारे में सवाल कर रहे थे मत्ती की अंजील नौवें बाब में। ठीक है। कि वो तो हम तो रोज़ा रखते हैं, तेरे शागिर्द क्यों नहीं रखते। ठीक है जी। क्योंकि उनके जो अकायद थे वो बड़े पक्के थे फरीसियों के। तो ये भी एक रवायत है कि मसीह यीशु के बारे में कहा जाता है कि मसीह यीशु भी फरीसी थे, फरीसियों के ग्रोह में से थे। ठीक है। कहा जाता है, बाइबल में नहीं लिखा। ठीक है। तो जो एक और थे असीनी, असीनी जो थे ये सूफी थे, सूफी यहूदी, जिस तरह सूफी होते हैं ना हमारे यहाँ। ठीक है जी। सूफी मुस्लिम, तो इसी तरह सूफी यहूदी जो थे उनको हम लोग असीनी कहते हैं, रवायात के मुताबिक हम पढ़ते हैं। तो यूहन्ना इस्तबागी के बारे में कहा जाता है कि वो असीनी थे। ठीक है जी। तो ये लोग जो थे ये रोजे रखा करते थे। तो इनमें जो फरीसी थे, फरीसी जो नफली इबादत का मैं जिक्र कर रहा था कि बाइबल में नफली और फर्जी दोनों का जिक्र है, इसलिए मैंने ये सारा कुछ बयान किया। तो जो नफली इबादत है, हम फरीसी को देखते हैं जो कि भाई ने मिसाल भी इधर पेश की थी कि दो आदमी हैकल में जाते हैं दुआ करने के लिए, तो जो फरीसी होता है वो अपने आप को बयान करता है और कहता है कि मैं हफ्ते में दो दिन रोज़ा भी रखता हूँ। वो नफली इबादत थी, वो फर्जी नहीं थी। ठीक है जी। वो नफली थी।
यानी कि फर्जी जो रोजे की इबादत थी वो तो योम कफारा वाले दिन ही फर्ज हुआ था ना, ठीक है जी। तो ये नफली थी जिसका जिक्र हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो हमने ये रोजे के मीनिंग्स को पढ़ा है, ठीक है, फारसी में भी, अरबी में भी, ठीक है, इब्रानी में भी, ठीक है जी। लेकिन एक रोजा जो है, रोजे की एक जो डेफिनेशन है वो मैंने भी की हुई है। रोजे में हम चार हरूफ को देखते हैं, रे, वाओ, जाल, हे। तो जो रे है, रे से मुराद जो मैं लिखता हूं वो ये है कि अपने रवैयों को दुरुस्त करना, अपने रवैयों को दुरुस्त करना, मसीह यसु के पैटर्न पर लेके आना। और वाओ से मुराद ये है कि वक्त की कुर्बानी, यानी वक्त की जो कुर्बानी है वो खुदावंद के हजूर चढ़ानी चाहिए। हम तो कुर्बानियां नहीं चढ़ाते, लेकिन वक्त की कुर्बानी जो है वो खुदावंद के हजूर चढ़ा सकते हैं। यानी रे, वाओ और जे, उसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा कलाम को पढ़ना, जो मैं सोचता हूं। इसी तरह जो हे है उससे मुराद हर वक्त दुआ करना और हिम्मत ना हारना। एक्सीडेंट हो जाए तो हिम्मत नहीं हारनी बल्कि दुआ करनी है, ठीक है। बड़ी अच्छी गुआई हमने सुनी है। तो ये डेफिनेशन जो है वो मैं करता हूं, जिस तरह की दूसरी जुबानों में हमने तराजम भी पढ़े हैं रोजे के बारे में। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब भी हमारा ये सीजन स्टार्ट होता है रोजों का, तो जब रोजों का सीजन स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सवालात करते हैं कि भाई जी बाइबल च रोजे किन्ने होने चाहिए ने। मुख्तलिफ सवालात हैं जो किए जाते हैं पास्टर साहिबान से, मिसाल के तौर पे कि जी रोजे का टाइम कितना होना चाहिए, रोजे की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जब हम कुरान सूरत बकरा पढ़ते हैं उसकी 183 शायद आगे पीछे हो सकती है, तो उसके मुताबिक लिखा है कि तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसे कि तुमसे पहली कौमों पर फर्ज किए गए थे। तुम कैसे रखती होती थी, सुबह से लेके नहीं शाम से लेके अगली शाम तक, आठ पैरा, ठीक हो गया। तो रोजे का टाइम बाइबल में ये बयान किया गया है, आगे जाके हम इसके बारे में बयान करेंगे, ठीक है, टाइमिंग के बारे में आगे जाके हम बयान करेंगे। अच्छा, एक और सवाल किया जाता है और वो सवाल है कि रोजा कब खोलना चाहिए, एक ये भी सवाल है। इसके अलावा एक और सवाल किया जाता है कि क्या सुबह से शाम तक रोजा रख सकते हैं, ये मतलब कि आगे सवालिया निशान सवाल किया जाता है कि पास्टर साहब क्या हम सुबह से शाम तक रोजा रख सकते हैं, ये भी एक सवाल किया जाता है रोजों के सीजन में खास तौर पर किया जाता है। और मुस्लिम जो हैं वो मसीहों से कुछ सवालात करते हैं, जी तुहाडे रोजे दे विच अग दी पक्की खा सकते हो या तुहाडे रोजे दे विच है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो हिंदुओं की एक कास्ट है उसमें होता है जिनको जैन कहते हैं, ठीक है। तो मसीही कितने रोजे रखते हैं ये भी एक सवाल किया जाता है। तो इस तरह के बेशुमार और भी सवालात दूसरे मजाहिब के लोग और हमारे लोग मिल के करते हैं मसीहों के साथ। अच्छा, हम देखते हैं कि जो रोज़ा है वो अहले यहूद रखा करते थे पुराने ज़माने में। जब हम देखते हैं पुराने अहदनामे में खास तौर पर, तो पुराने अहदनामे में रोज़े का ज़िक्र हमें मिलता है और रोज़े का ज़िक्र हमें योम कफारा के ऊपर मिलता है। जब सरदार काहन जो था वो कौम के जितने भी गुनाह होते थे सभी कौम के, उनको एक बरे के ऊपर लाद देता था, ठीक है जी। और उसके लिए फिर वो कुर्बानियाँ भी गुजरानते थे, बल्कि दो बकरों को भी लाया जाता था। सिर्फ दो बकरों को नहीं लाया जाता था बल्कि एक बछड़ा भी लाया जाता था और एक मेंढा भी लाया जाता था। और बकरों के बारे में मैं बयान करता हूँ कि बकरे जो होते थे बकरों में दो दो बकरे लाए जाते थे, उनमें से एक बकरा जो होता था वो चिट्ठियाँ डाली जाती थी, और जो के अजाजील के लिए जिसकी चिट्ठी निकलती थी वो बियाबान में छोड़ दिया जाता था। अब यहाँ पर
जब हम अजाजील का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आता है यौम कफारा पे, तो हमारे जहन में सवाल ये आता है कि क्या अजाजील खुदा के बराबर था कि एक बरा अजाजील के लिए छोड़ दिया जाता है और एक मसीह मसीह यसु के लिए, खुदा के लिए? ऐसा नहीं है। अजाजील एक फरिश्ता था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो एक फरिश्ता था, ठीक है, और वो उन बागी फरिश्तों में से था जिनका जिक्र हनूक की किताब में मौजूद है, जिसने इंसान को, पिछले दिनों मैं एक लेक्चर दे रहा था इसी चर्च में, जिसने काफ़ी सारे अलूम इंसान को सिखाए थे, जिसको खुदा नहीं था चाहता कि इंसान जो है वो अलूम इतनी जल्दी सीखे। जंग के हथियार बनाना उसने सिखाया, ढाल बनाना, तलवार बनाना, फिर मेकअप का सामान बनाना अजाजील फरिश्ते ने इंसान को सिखाया था, और इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको, और एक और भी कहा जाता है कि कागज़ और कलम का इलम, ये भी। तो ये वो अलूम थे जो कि खुदा इंसान को एक तरतीब से सिखाना चाहता था, लेकिन उसने जब ये सिखाए तो उसको तरी गारों में कैद कर लिया गया, बल्कि उसके हामी फरिश्तों को भी, क्योंकि उन्होंने गुनाह बहुत बड़ा किया था, 200 फरिश्तों ने, ठीक है जी, पैदाइश छठे बाप में जिसका जिक्र है, तो वो उनको फिर तरी गारों में कैद कर लिया गया। और ये जो बुक ऑफ हनूक है, इसको मसीह यसु के शागिर्द भी पढ़ा करते थे, और बाइबल में बुक ऑफ हनूक का जिक्र है, ठीक है जी। तो हम बछड़े के बारे में कह रहे थे कि जो अजाजील के लिए छोड़ दिया जाता है और एक खुदा के लिए छोड़ दिया जाता है, कि भाई अजाजील इतना ही बड़ा फरिश्ता था, ऐसा नहीं है। इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है स्केप गॉड, ठीक है, छोड़ा हुआ बकरा, छोड़ा हुआ बकरा। इसके लिए मुख्तलिफ तशरीहात पाई जाती हैं, ठीक है जी, मुख्तलिफ तशरीहें इसके लिए हैं। यानी पहली तशरीह जो है वो तो है छोड़ा हुआ बकरा, ठीक है, एस्केप गॉड, जिसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए जो दूसरा मीनिंग लिया जाता है अजाजील का, वो ये है कि अलग कर देना, यानी कि उस बकरे को अलग कर दिया जाता था, और जो आदमी उसको लेके जाता था वो भी मखसूस हुआ हुआ आता था, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि उस बकरे को, और सिर्फ अलग ही नहीं कर देना बल्कि उसको बियाबान में ले जाना। और इसके लिए एक और तशरीह की जाती है बियाबान अजाजील के लिए, यानी कि उसको बियाबान में छोड़ाते थे वो उस बकरे को। ये चूंकि यौम कफारा का जिक्र आया है तो इसलिए मैं ये थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ आपको, मौजू हमारा रोज़ा ही रहेगा, ठीक है, वो मुझे मौजू याद है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी तशरीहात यौम कफारा के बारे में मैं बयान कर रहा हूँ अजाजील के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों हम ही ने इधर ये क्वेश्चन जो था वो रेज किया था, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन करने हैं तो ऐसे करें, ठीक है। तो अजाजील के लिए एक और तशरीह की जाती है जो कि हम डिक्शनरी में भी देखते हैं, वो है खड़ी चट्टान। खड़ी चट्टान यानी कि उस बकरे को उस पर ले जाया जाता था और ऊपर से धक्का दे दिया जाता था, ठीक है जी। और कुछ लोग इसके लिए जो तशरीह करते हैं अजाजील के लिए, वो बागी फरिश्ता भी करते हैं, ठीक है जी, शैतानी फरिश्ता जिसको कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ तशरीहात जो है वो की जाती हैं इसके बारे में अजाजील के लिए, लेकिन हम जो हैं वो अपने मौजू पर ही रहेंगे, ठीक है, यौम कफारा पर। तो यौम कफारा पर हम देखते हैं कि यौम कफारा पर सातवें महीने की 10वीं तारीख को रोज़ा फ़र्ज़ होता है, सातवें महीने की 10वीं तारीख को रोज़ा फ़र्ज़ किया जाता है। असल में यौम कफारा क्यों मनाते थे, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो यौम कफारा वाले दिन क्या था कि इससे पहले हारून के दो बेटों की डेथ हो गई थी, वो क्यों हुई थी, वो इसलिए हुई थी कि हारून के जो बेटे थे, चूँकि काहन की औलाद थे, तो वो भी हैकल में उस मकाम पर चले जाते थे जहां पर आम आदमी नहीं जा सकता था, तो उन दो बेटों की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद खुदा ने मूसा को ये हुक्म दिया कि अपने भाई हारून को कह के ऐसे ही ना पाक तरीन मकाम में आ जाए, बल्कि इसके लिए एक इंतज़ाम किया कर और फिर आया कर। तो फिर यौम कफारा वो मनाते थे और बरों की कुर्बानी दिया करते थे, और वो खून लेकर सरदार काहन जो था वो उधर जाया करता था। ये उसके पीछे वाली सारी स्टोरी है, ठीक है। तो यौम कफारा पर हम देखते हैं कि सातवें महीने की 10वीं तारीख को ये रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है, ठीक है।
ज़िक्रिया की जब हम किताब पढ़ते हैं और उसका 8वां चैप्टर पढ़ते हैं और उसकी 19वीं आयत पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें हमें और रोज़ों का भी मिलता है, यानी चौथे महीने, 5वें महीने और 7वें महीने की 10वीं तारीख को भी आपने रोज़े रखने हैं। ठीक है जी, यानी चौथा महीना, 5वां महीना और 7वां महीना, ठीक है, इसमें भी रोज़े रखे जाएंगे जो कि तुम्हारे लिए शादमानी और हुर्मी होगा। ठीक है, जब हम पूरी आयत पढ़ेंगे तो, ठीक है जी, ये चीज़। तो 7वें महीने की 10वीं तारीख को यौम कफारा का रोज़ा रखते थे वो। अच्छा, जो मैंने ये महीनों का जिक्र बताया है ना, एक तो 7वें महीने की बताया है मैंने, ठीक है जी, 7वें महीने की 10वीं तारीख को यौम कफारा वाला रोज़ा। इसके अलावा जो ज़िक्रिया की किताब में हम पढ़ते हैं वो है 10वें महीने की 10वीं तारीख को रोज़ा, दूसरा रोज़ा 10वें महीने की 10वीं तारीख को रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। और इस दिन को हुआ क्या था, ये किस याद में ये रोज़ा रखा जाता था, ये भी हमको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। इस दिन को हुआ ये था कि यरूशलम पर एक बादशाह था, नबूकदनज़र बादशाह, उसने हमला कर दिया था, ठीक है जी, और ये दरअसल पेशन गोई थी यर्मिया नबी की, यर्मिया नबी की पेशन गोई के मुताबिक ये हमला हुआ था। यर्मिया नबी के बारे में कहा जाता है कि ये रोने वाला नबी है, यानी खुदा ने जो उसके मुंह में कलाम डाला था वो लोगों को बयान करता था और सच्चाइयां जो थी वो रो रो कर बताता था, इसके बावजूद लोग उसका इतबार नहीं थे करते। और उसने ये कहा था, पेशनगोई की थी कि अगर तुमने बुतों को ना छोड़ा उनकी इबादत करना तो एक बादशाह तुम पर हमला करेगा। तो उसने इस चीज़ को नहीं थमाना, सदकिया बादशाह था शायद, ठीक है, तो सदकिया बादशाह के साथ फिर बहुत बुरा होता है और वो क्या करते हैं कि यरूशलम को बर्बाद कर देते हैं और सदकिया की आंखें निकाल दी जाती हैं और उसके बेटों को उसके सामने कत्ल कर दिया जाता है। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आजकल की मैं मिसाल देता हूँ कि अमेरिका ने कोई एक मुल्क उस पर हमला किया है और उसका एक बादशाह बनाया है जो कि उसके हक में रहेगा, तो अगर वो बादशाह अमरीका के खिलाफ हो जाएगा तो अमरीका क्या करेगा कि जाके उस बादशाह को पकड़ेगा। तो इसी तरह सदकिया को क्या हुआ था कि नबूकदनज़र ने बादशाह बनाया था पिछले बादशाह को शिकस्त देकर, तो जब इसने उसकी बातें नहीं मानी तो उसने दोबारा हमला कर दिया और इसकी आंखें निकाल दी, क्योंकि ये भी एक पेशनगोई थी यर्मिया नबी की कि तू नहीं मारा जाएगा, तो फिर उसकी आंखें निकाल देता बल्कि उसके बेटों को उसके सामने मरवा देता उसकी आंखों के सामने, ठीक है, ये सारी थी। और इस याद में एक रोज़ा रखा जाता था, ठीक है, यानी कि वो जो रोज़ा था 10वें महीने की 10वीं तारीख को जो रोज़ा रखा जाता है वो यरूशलम की बर्बादी पर रखा जाता था। फिर जो ज़िक्रिया की किताब में हमने पढ़ा है चौथे महीने की 9वीं तारीख, तो चौथे महीने की 9वीं तारीख को भी रोज़ा एक रखा जाता था, ठीक है जी, और ये क्यों रखा जाता था कि यरूशलम के ऊपर कब्ज़ा हो जाता है दूसरे मुल्क का, तो उसकी याद में ये रखा जाता है। इसके अलावा 5वें महीने की 10वीं तारीख को, पुराने अहदनामे की मैं बात कर रहा हूँ, 5वें महीने की 10वीं तारीख को एक रोज़ा रखा जाता था और ये रोज़ा रखा जाता था हैकल की बर्बादी के ऊपर, ठीक है जी, तो हैकल के बर्तन भी वो उठा के ले जाते हैं और उसको तोड़ फोड़ भी वो करते हैं, ठीक है जी। तो ये सब कुछ यर्मिया नबी की पेशन गोई थी जिसके मुताबिक ये होता है और ये रोज़े रखे जाते हैं। इसके अलावा भी एक रोज़ा रखा जाता था ईद पुरीम पे। ईद पुरीम का वाक़या आपको मालूम है, मलका यास्तर का वाक़या है, ठीक है, इसमें हमें दो करदार मिलते हैं बल्कि तीन, एक मलका यास्तर, एक हमान और एक मर्तगई, ठीक है जी। तो जो हमान था, मर्तगई जो था, ये बिन्यामीनी था, ठीक है, बिन्यामीन के कबीले से इसका ताल्लुक था, कलाम में लिखी हुई है बात, ठीक है जी। तो आस्तर का चचा का बेटा था ये मर्तगई जो था, ठीक है। तो हमान जो था वो एक अमीर आदमी था और वो बादशाह को तोहफे वगैरह दिया करता था, ठीक है, तो जब वो तोहफे वगैरह दिया करता था तो बादशाह की नज़र में वो बड़ा मकबूल था
और वो उन लोगों की यानी के जो इसराइली थे उनके लिए मंसूबा बनाता है। क्यों बनाता है? उसके पीछे एक कहानी है कि जब वो बाजार से गुजरता है तो सभी लोग उसको सजदा करते हैं, लेकिन जो मुर्दगई था वो उसको सजदा नहीं था करता। तो इस वजह से वो बहुत जोश में आता है और उसके लिए एक सूली बनाता है। जब हम बातें करते हैं तो बातों में से बातें निकल दी जाती हैं। तो मसीह यीशु की जो सलीब थी वो अलग है और सूली अलग होती है। वो एक कलाम में मैं इधर बयान कर चुका हूँ, ठीक है, कि सूली सूल से होती है, ठीक है। सूली को हर किस सलीब ना समझा जाए, इसके ऊपर एक पैगाम मौजूद है मेरा, ठीक है। तो वो सूली बनाता है किसके लिए? मुर्दगी के लिए। तो क्या होता है कि वो एक मकारी के साथ जो कानून बनाता है कि बनी इसराइल के सारे लोग जो है इब्रानी इनको मार दिया जाएगा, ठीक है। तो जब आस्तर को पता चलता है तो वो रोज़ा रखती है, बादशाह की हजूरी में जाने के लिए रोज़ा रखती है, और वो कहती है कि मैं भी रोज़ा रखूंगी, मेरी सहेलियां भी रोज़ा रखेंगी और जितनी बनी इसराइल की जमात है सभी रोज़ा रखेंगे ताकि मैं बादशाह की हजूरी में जाऊँ और बादशाह का जो आशा है वो डाउन ना हो बल्कि ऊपर हो। ऊपर होगा तो इसका मतलब है उसने उसको कबूल किया और वो उसकी बात मानेगा, ठीक है जी। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बनी इसराइल को फिर बादशाह के वसीला से, अस्तर के वसीला से छुटकारा मिलता है और उनकी जो कौम हो सकता है कि तबाह बर्बाद हो जाती, तो वहाँ पर अस्तर मलका की वजह से उनको रिहाई मिलती है और वो अपने मुल्क में पहुँच जाते हैं और इसकी याद में वो फिर एक रोज़ा रखते हैं। तीन रोज़े भी कहा जाता है, उस वक्त तो तीन रखे गए थे, तो उस वक्त भी रोज़े रखे जाते हैं। तो यहूदी वो भी रोज़े रखा करते थे पुराने अहदनामे के मुताबिक। एक तो मास्टर का वाक्य देखते हैं, तो एक और एक बुक थी जिसका मैंने उर्दू में तर्जमा किया था, बुक ऑफ जोदत। तो बुक ऑफ जोदत जो है यहूदियत जिसको कहते हैं, तो वो भी एक ऐसी खातून थी जिसने के उसमें नबूकत नज़र का ही जिक्र मिलता है कि अगर वो भी वो वाक़या ना करती तो हो सकता है बनी इसराइल का आज जिक्र भी ना मिलता। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त किताब है पढ़ने वाली, यहूदियत या जोदत, ठीक है। तो ये उसके पूरे लश्कर को शिकस्त दे देती है, अकेली जाके क्या करती है कि उनके सिपा सलार को मार देती है और उसका सर लेके आती है और सबको दिखाती है, ठीक है। आज सिर्फ हम सिर्फ आस्तर के बारे में ही ना देखें, यहूदियत के बारे जोदत के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। ये किताब बाइबल का हिस्सा हुआ करती थी लेकिन बाद में निकाल दी गई थी, ठीक है जी। अच्छा, तो ईद पुरीम पर भी एक रोज़ा रखा जाता था, ठीक है जी, या रोज़े रखे जाते थे इस याद में कि उस वक़्त अगर ये वाक़या मलका यासर की वजह से ना होता तो बहुत सारे यहूदी मारे जाते। अच्छा, रोज़े जो हम रखते हैं वो शख्सी तौर पर भी बाइबल में हमें रोज़ों का जिक्र मिलता है, शख्सी तौर पर यानी फ़र्द वाहद की तरफ से भी हमें रोज़ों का जिक्र बाइबल में मिलता है, ठीक है जी। यानी मसीह यीशु के बारे में हम देखते हैं कि जब वो बियाबान में जाते हैं तो 40 दिन तक उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बल्कि शैतान को भी शिकस्त दी। उसने कहा तू इस पत्थर से कह के रोटी बन जा, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल। दूसरा हमें जो शख्स जो किसी शख्स के बारे में मिलता है शख्सी तौर पर शख्सी रोज़े के बारे में, वो मिलता है एलिया के बारे में। एलिया भी 40 दिन और 40 रात जो है वो कुछ नहीं खाते पीते। ये हवाले भी आप पढ़ सकते हैं, मसीह यीशु का वाक्या मत्ती चौथे बाब में पढ़ सकते हैं और एलिया का वाक्या आप पहले सलातीन के 19वें बाब में पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमें मूसा के बारे में भी मिलता है दो बार, ठीक है, 40-40 सही हो गया। इसके अलावा दाऊद शख्सी रोज़ों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो दाऊद जो है वो एक हफ्ता के लिए ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं और वो सारे वाक्य का आपको पता है किस वजह से उन्होंने ये किया था। इसके अलावा जब हम नए ऐतनामे में आते हैं तो हन्ना एक खातून थी जो कि दिन रात रोज़ों में रहती थी, ठीक है जी। और हन्ना का अगर आपने हवाला पढ़ना है तो वो नए ऐतनामे में मौजूद है, हवाला मैंने लिखा नहीं है, ये पहले अबवाब में ही आपको मिलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा हम पलूस रसूल के बारे में देखते हैं नए ऐतनामे में कि पलूस रसूल के भी तीन दिन का रोज़ा, जब मसीह यीशु का दीदार पलूस रसूल को होता है जो कि मसीहों को पकड़ने के लिए जाता है, ठीक है, उस शहर में,
तो वहां पर रास्ते में मसीह यसू का दीदार होता है और उसकी आंखों के ऊपर एक झिल्ली सी आ जाती है और वो ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। तो हनानिया उनके लिए दुआ करता है और उनकी आंखों से वो झिल्ली उतर जाती है और फिर उसके बाद वो खाना पीना स्टार्ट करते हैं। 3 दिन और रात उन्होंने कुछ भी ना खाया ना कुछ पिया था। तो ये वो शख्सी रोज़े हैं जो कि बाइबल में हमें मिलते हैं, शख्सी तौर पर रोज़े ये मिलते हैं हमें बाइबल में, ठीक है जी। हम जब कलाम को पढ़ते हैं तो सिर्फ शख्सी ही नहीं बल्कि कौमों के तौर पर भी हमें रोज़ों का जिक्र मिलता है। कौमों के तौर पर, कौमों के तौर पर मलका यासर का जिक्र मैं कर चुका हूँ, पूरी कौम ने रोज़ा रखा था और ये जो सजा थी उनसे टल गई थी, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं नैनवा के लोगों के लिए, ठीक है जी, नैनवा के लोगों के लिए कि नैनवा के लोग जो थे वहां पर जाकर खुदा का बंदा जो है वो मुनादी करता है कि नैनवा तबाह कर दिया जाएगा। तो जब वो रोज़ा रखते हैं टाट ओढ़ते हैं, बल्कि वो तो अपने जानवरों के ऊपर भी टाट उड़ा देते हैं और जो बादशाह था अपने तख्त को छोड़कर वो भी ज़मीन पर आ जाता है। जब वो तौबा करते हैं तो उनसे भी वो आफत जो आने वाली होती है वो टल जाती है। ये मैं जिक्र कर रहा हूँ कौमों के तौर पर रोज़े के। अभी ये देखें, ये जो कौम थी, ये नैनवा के जो लोग थे, ये कोई यहूदी तो थोड़ी थे। कौमों के तौर पर लोगों ने खुदा को कबूल किया और जब रोज़े रखे तो उनसे आफत टल जाती है। तो इब्तदाई कलीसिया के बारे में भी देखते हैं कि वो भी मजमा के तौर पर रोज़े रखते थे। अभी भी जब हम देखते हैं कि जब हमने मखसूस करना होता है पास्टर साहब को, ऑर्डिनेशन होती है, तो ऑर्डिनेशन से पहले पूरी कलीसिया को कहा जाता है कि भाई आप रोज़ों में रहें, रोज़े में रहें, ठीक है, कि पास्टर साहब को ये सीट देनी है, ये ओहदा देना है, तो पास्टर साहब के लिए आप रोज़े में रहें, दुआएं करें। तो वहाँ भी हम देखते हैं कि कलीसियाई तौर पर भी हम रोज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो ये तो मैं बात कर रहा था कि कौमों के तौर पर या इज्तमाही तौर पर। अब हम जो शुरू में मैंने सवालात किए थे उनमें से एक सवाल ये भी था कि रोज़े को दौरानिया कितना होना चाहिए। ये बड़ा कॉमन सवाल है जो कि मसीही जो है शायद बाइबल नहीं पढ़ते, शायद इस वजह से सवाल कर देते हैं। तो आज हम इसके बारे में भी थोड़ा सा सीखेंगे। रोज़ा जो होता है वो आपकी कमिटमेंट होती है खुदा के साथ, आपकी कमिटमेंट है खुदा के साथ रोज़ा, कि आपने इस इबादत को कितने टाइम के लिए करना है। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि शाम से लेकर शाम तक का, ठीक है, बहुत सारे हवाले इसके बारे में हम देखते हैं। तो हमें 40 दिन और 40 रात का रोज़ा भी मिलता है, एक रोज़ा मसीह यसू एलिया और मूसा के द्वारा, ठीक है। इसी तरह 21 दिन का रोज़ा दानियल, हालांकि वो रोज़ा नहीं था अगर देखा जाए तो, वो उन चीज़ों से इज्तनाब उन्होंने किया था। डैनियल फास्टिंग, गोरे लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं डैनियल फास्टिंग को। मैं गोरों के चर्च में जाया करता था, तो आज से कोई 11 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर मेरा कलाम था कतर में गोरों के चर्च में। वहाँ बहुत लोग आते थे, तकरीबन 350-400 लोग आते थे, इतना बड़ा चर्च था। तो वो एक महीना पहले ही नोटिस पे लगा देते थे कि फलां तारीख को इसका कलाम है, तो फिर सभी लोग जब नोटिस बोर्ड को देखते थे उस शख्स के लिए दुआएं भी करते थे। तो मेरा मौजू रोज़े के ऊपर ही था उस वक़्त, ठीक है, मैंने जो तैयारी की हुई थी। तो जब उन लोगों ने बोला कि हमें कुछ हाइलाइट्स दें अपने कलाम के बारे में, तो मैंने जब उनको बोला कि रोज़े में तो हम ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं भाई, आपके नज़रियात और हमारे नज़रियात आपस में नहीं मिलते, इसलिए हम आपको प्रीचिंग की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि रोज़े में तो हम पानी पी सकते हैं, उन्होंने ये कहा। ये मैं गोरों की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें बोला क्यों पी सकते हैं, कहते डैनियल फास्टिंग डैनियल फास्टिंग। तो जो दानियल की फास्टिंग थी वो उन चीज़ों से उन्होंने इज्तनाब किया था खाने से, तो इसके बावजूद भी उनकी सेहत अच्छी रही थी, ठीक है जी, तो इसलिए वो कहते थे डैनियल फास्टिंग। हालांकि जो
डैनियल ने फास्टिंग की थी, वो रोज़ा रखा ही नहीं था उन्होंने अगर देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि मैं जिक्र कर रहा था 21 दिन का, तो ये दानियल का, ठीक है जी, ये चीज़। इसके अलावा भी हम रोज़े के दौरानिये के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, 7 दिन का रोज़ा दाऊद का, 7 दिन के रोज़ा जब हम बात करते हैं तो दाऊद बादशाह हमारे सामने आते हैं, ठीक है जी। तो दाऊद बादशाह 7 दिन का रोज़ा रखते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। दूसरा सैमुअल उसके 12वें बाप में ये हवाला आपको मिलेगा। इसी तरह मलका आस्तर के दौर में 3 दिन का रोज़ा। अब ये आपने गिनते जाना है, ठीक है, क्या गिनते जाना है, हमने जिक्र किया है 40 दिन के रोज़े का, 21 दिन के रोज़े का, ठीक है, 7 दिन के रोज़े, मलका आस्तर के वक्त में 3 दिन, ठीक है, ये आपने गिनते जाना है, ठीक है जी। इसके अलावा हम पलूस रसूल को देखते हैं 3 दिन का, जो कि हम जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। बाइबल के अंदर सुबह से लेकर शाम तक रोजे का भी जिक्र है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये आपकी कमिटमेंट है खुदा के साथ। सुबह से लेकर शाम तक आप कजात की किताब में, जो काजियों की किताब थी, उसमें ये जिक्र आपको मिलता है, शायद 20वें बाब में है, ठीक है। हम जब स्कूल जाते थे ना, तो हम पूछा करते थे जबान निकाल के दिखाओ रोज़ा है कि नहीं है, ठीक है। तो वो जो रोज़ा होता था वो सुबह से लेके शाम तक का होता था उनका, ठीक है। तो हम पंजाबी में इसको चिड़ी रोज़ा कहते थे कि ये चिड़ी रोज़ा है। तो मेरा जो बेटा है जोनाथन, ठीक है, अभी वो बालक नहीं हुआ, लेकिन वो रोज़े रखता है, कभी कभार वो रोज़े रखता है और वो 8 पैरा ही रखता है, ठीक है। तो मैं उसको मना करता हूँ कि तू चिड़ी रोज़ा रख लिया कर, वो कहता नहीं पापा रखना है तो 8 पैरे ही रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये सारे रोज़े के दौरानिये आपको बताने का मकसद हमारा ये था, 40 दिन का, 7 दिन का, ठीक है, 21 दिन का, 3 दिन का, 1 रोज़ का दौरानिया बताने का जिक्र ये था कि बाइबल में ये सारे हवाले आपको मिलते हैं। आपने अभी ये करना है कि देखें आपकी कमिटमेंट है रोज़ा रखने की, आपने इस दबाव में कितना अरसा रहना है, कितनी देर रहना है, ठीक है। तो रोज़े में हम लोग जो है वो रोज़ा दिखावे का नहीं रखते, ठीक है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर भाई ने रोज़ा रखा तो भाई डंडोरा नहीं पीटेंगे कि मेरा रोज़ा है, ठीक है, क्योंकि फक्की फरेसी और असीनी लोग जो थे वो इसका डंडोरा पीटा करते थे, इसीलिए तो मसीह यसु उनको रियाकार कहा जाते थे, वो शो ऑफ करते थे, वो इबादत को चौकों में खड़े होकर करना पसंद करते थे, वो सीटों में आगे वाली सीटों पे बैठना पसंद करते थे, तो इसीलिए मसीह यसु उनको उनके मुंह पर उनको ए रियाकार कह के बुलाते थे। और जब वो रोज़ा भी रखते थे तो रोज़ा रखते वक्त वो अपनी पोशाक फाड़ लेते थे, जबकि कलाम में क्या लिखा हुआ है कि तू अपने दिलों को चाक कर, पोशाकों को नहीं, यानी कि तेरा रोज़ा ऐसा होना चाहिए कि तू अपने दिल को चाक कर, ये कलाम कहता है, जबकि वो अपनी पोशाक फाड़ कर लोगों को बताया करते थे सर में हाथ डाल के कि मैं रोज़े में हूँ। तो इसीलिए तो मसीह यसु ने कह दिया था कि तेरा चेहरा जो है वो खिला हुआ नजर आना चाहिए, उन जैसा नहीं कि दिखावे का रोज़ा, तो उसका अजर फिर खुदा तो नहीं दे सकता आपको, ठीक है, वो इंसान ही देंगे अगर इंसानों के दिखाने के लिए रोज़ा रखा गया है। अच्छा, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में जो रोज़े के लिए जो बुनियादी तौर पर जो बाइबल में पुराने अहदनामे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो रोज़ा नहीं रखा की। वैसे तो रोज़ा लफ्ज़ जो है वो बाइबल में 59 दफ़ा आया है, लेकिन इसके लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता था जो बड़ा ख़ास था, अपनी जान को दुख देना, अपनी जान को दुख देना, ये था रोज़ा, अपनी जान को दुख देना। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि वहाँ पर अपनी जान को दुख देना, और ये एक जगह पर नहीं, बेशुमार जगहों पर ये हवाला आपको मिलेगा, अपनी जान को दुख देना। मिसाल के तौर पर अखबार 16वें बाब में मिलेगा, फिर उसके बाद 31वें बाब में, अखबार 23वें बाब में, गिनती 29वें बाब में, इसके अलावा भी कुछ हवाले मौजूद हैं जहां पर हम देख सकते हैं अपनी जान को दुख उठाना रोज़े के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, मसीहत में हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो जितने भी रोज़े रखेंगे उनके पीछे कोई ना कोई मकसद था,
बिना मकसद के रोज़ा नहीं रखा उन्होंने। जैसे कि मैंने बहुत सारे जो पीछे आपको बयान किया गया है कि ये मकसद था जिस वजह से रोज़ा रखा गया। मलका यासर के दौर में क्या हुआ, उन पर बड़ी मुसीबत आ गई थी, वो एक मकसद था कि उससे हमने छुटकारा हासिल करना है, तो उन्होंने रोज़ा रखा। नैनवा के लोगों ने रोज़ा रखा, ठीक है जी, तो वो भी एक मकसद था। तो पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि मकसद का रोज़ा रखा जाता था, रोज़े का मकसद होना चाहिए कि भाई ये शफा नहीं हो रही, शफा क्यों नहीं हो रही, आप रोज़े में ठहरो, दुआ करो, शफा हो जाएगी। तो ये चीज़ है। तो किसी बड़े काम की तैयारी के लिए भी रोज़ा रखा जाता है, ये भी एक मकसद होता है। जैसे कि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, पास्टर को ऑर्डेन करना मिसाल के तौर पर, ठीक है, या एल्डर को मखसूस करना। तो मखसूस करने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा काम है, ये भी एक मकसद है, तो रोज़ा मकसद के लिए होना चाहिए, शफात के लिए होना चाहिए, ठीक है जी। तो रोज़ा हमेशा मकसद का होता है, पुराने अहदनामे में हम मकसद ही देखते हैं इसका, अपनी जान को दुख देना। तो मसीह यस्सु ने रोज़े के बारे में बड़ी ही ज़बरदस्त प्रीचिंग कर रखी है, इनको सदूकियों को सामने रखते हुए, फरीसियों को सामने रखते हुए, यानी जो यहूदियों के फिरके थे इनको सामने रखते हुए उन्होंने ये प्रीचिंग की है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो अपने पेशाब को फड़ा करते थे, ठीक है जी, तो इसलिए यूएल नबी की किताब में लिखे कि तुम अपने दिलों को चाक करना। तो मसीह यसु की जो तबलीग है वो हम मत्ती छठे बाब में पढ़ते हैं। कोई खोलेगा मत्ती छठा बाब, उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। तो ये वो हवाला है कि जब हम मसीह यसु की तालीम इसमें हमें मिलती है, और मसीह यसु ने क्या कहा है कि जब तू रोज़ा रखे, ये नहीं कहा कि तुमने रोज़ा नहीं रखना, यानी मसीहों को रोज़ा रखना चाहिए इसका मतलब है। मसीह यसु ने कहा था कि जब तू रोज़ा रखे, क्योंकि उस वक़्त दुल्हा उनके साथ था। तो जब दुल्हा, भाई ने बड़ी अच्छी बात की जी, दुल्हा उनके साथ था, तो इसलिए जब हम नौवां बाब पढ़ते हैं मत्ती की अंजील का, तो वहां पर जब फरीसी उनके साथ सवाल करते हैं कि हम तो रोजा रखते हैं तेरे शागिर्द नहीं रखते, तो मसीह यसु ने यही जवाब दिया था, जब दुल्हा उनसे जुदा होगा तो ये रोजा रखेंगे, ठीक है। तो यहां भी हम जो मत्ती के छठे बाब में हमने जो मसीह यसु की प्रीचिंग रोजे के बारे में देखी है, कितनी जबरदस्त प्रीचिंग है कि अगर हम दो लोगों को दिखाने के लिए रोज़ा रखेंगे तो लोग ही इसका अजर देंगे, अगर हम रोज़ा खुदा के लिए रखेंगे तो खुदा इसका अजर देगा, ठीक है जी। ये चीज़, तो मसीह यसु की तालीम पर हमें अमल करना है। हालेलुया। मसीह यसु का हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम रोज़ा रखें? मसीह यसु ने ये नहीं कहा कि हमने रोज़ा नहीं रखना, हमने रोज़ा रखना है, ठीक है, और हमारा रोज़ा मकसद का रोज़ा होना चाहिए, ठीक है। हफ्ते में 6 दिन, सबत का दिन छोड़ के, जो मसीहों का सबत है, एतवार का दिन छोड़ के, ठीक है। राख का जब बुध आता है, तो राख का बुध जब हम पीछे गुजरा है, तो ये स्टार्ट ही रोज़ों से होता है, ठीक है जी। तो इसके पीछे की कहानी आपको पता है, राख के बुध की, हम राख का बुध क्यों मनाते हैं, यानी कि वो डालियां जो हम लहराते हैं खजूर की इस्तकबाल के लिए, तो वो डालियां एक जगह पर जमा कर ली जाती हैं। ये तारीख है, किसी दिन मैं इसके ऊपर बात करूंगा, मुख्तसर बयान कर रहा हूं। तो वो उनको जला दिया करते थे और उनकी राख को
लेकर हर मसीही के स्लीप का निशान बनाते थे, राख का बुध मतलब ना, तो उससे फिर ये लेंट सीजन स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो खुदा आपको तफीक दे रोज़ा रखने की, आपको जितना टाइम मैसर है। बहुत सारी बीमारियों की वजह से हम लोग रोज़ा नहीं रख सकते, ठीक है, और फिज़िकली वो इतने फिट नहीं होते कि वो रोज़ा रख सकें। तो हमें अगर हम उसमें देख सकते हैं कि हम खुदा के साथ कितनी कमिटमेंट कर सकते हैं, आप उतनी कमिटमेंट करें खुदा के साथ, रोज़ा रखें, 2 घंटे रखें, 3 घंटे रखें इबादत, 4 घंटे की इबादत करें, 1 दिन की करें, 8 पहर ही करें, तो कलाम में तो लिखा हुआ है सुबह से लेकर शाम तक भी। तो आप जितनी आप मुनासिब समझ सकते हैं आपकी बीमारी के मुताबिक भी, तो आप खुदा के साथ कमिटमेंट कर सकते हैं। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदा ने हमें आज दिया है, बहुत सारी तालियां कलाम के लिए और पास्टर साहब के लिए।